उन्होंने स्पॉट किया है दो खिलाड़ियों को, लेकिन वो अभी भी प्रेस देने के लिए नहीं जा रहे। मीनवाइल स्काउट ने वहां पे ओआर की ईवो को स्पॉट करके डाउन किया है, बट क्लच गॉड देखते हैं कि वो कब अपना वो जो ट्रिगर कंट्रोल है वो हटाएंगे। मीनवाइल पीएसएम की अगर हम बात करें तो दो खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, एक्वानॉक्स थोड़ा लो ऑन एचपी, सीएसएम वर्सेस टीम एक्स पार्क, लेकिन गॉड लाइक वहां के वहां पे क्लच गॉड मौजूद है। एक प्लेयर को वहां पे स्पॉट करके डाउन किया, एलिमिनेशन TSM का नवे पायदान पे और छे अंक अब उनके देखने को मिलेगा। मीनवाइल स्काईलाइट गेमिंग की अगर हम बात करें वो भी मुश्किल में, एलिमिनेशन स्काईलाइट क्लच गॉड देखने को मिलता है। क्लच गॉड जो कि सोलो बैन सर्वाइविंग थे वो यहां पर एलिमिनेट नजर आ रहे हैं। टॉप फोर टीम जो हमें देखने को मिल रही थी चारों टीम्स यहां से जाती हुई, लेकिन TSM स्काईलाइट गेमिंग जो फासला है वो कम जरूर हुआ होगा। आखिरी मैच आंकी, आखिरी मैच यही तो चाहिए था आईक्यू बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज का। वो जो आखिरी मैच आने वाला है वो डिसाइड करेगा कि आखिरकार वो जो चैंपियन है, वो जो विजेता है, वो कौन बनने वाला। हैदराबाद हाइड्रास छठे स्थान पे एलिमिनेट हुई थी, 7 फिनिशर्स उनके पास रहेंगे, बट गेल काफी ज्यादा ओपन में क्रेजी डाउन किए गए। मावी की बात करें वो आर जेली दाइजल उनको जाएगा वो एक देखने वाली बात। मीनवाइल ओआर ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को 30 मीटर जाना पड़ेगा जोन के अंदर। क्रेजी ने स्पॉट किया व्यक्ति को, डाउन किया, जो फिनिशर वो सिक्योर हो जाएगा और अब ओआर ई-स्पोर्ट्स से एकमात्र खिलाड़ी सरवाइव करेगा। बात करें टीम ओल्डहुड की, अभी तो जोन के अंदर है लेकिन अगला जोन क्या उनको फेवर करेगा वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। वही बात करें टीम एक्स पार्क की, थोड़ा ओपन एरिया में मौजूद है और मैं चीज की बात करता स्काउट थोड़ा ओपन में वहां पर जरूर से एक शॉट का कनेक्शन उनके ऊपर आएगा। चलिए अब एक कवर पे वो आते हुए नजर आएंगे, मवी वहां पर जो व्हीकल से वो बर्स्ट किए जाएंगे। और अभी भी अगर हम बात करें टीम ओआर ई-स्पोर्ट्स की, एक खिलाड़ी अभी भी सरवाइव करता हुआ नाम है उनका ईवो, हमने पहले भी देखा है उनको 1v4 के काफी करीब लेके गए थे, लेकिन अलादीन क्या उनको ये इंटेल है कि वहां पर कोई प्लेयर मौजूद है, बिकॉज वो थोड़ा ओपन में जरूर से जा रहे हैं। अगला जोन का शिफ्ट आएगा और चारों ही टीम्स जोन के बाहर। 7C उनका एकाक प्लेयर हो सकता है जो सर्कल के अंदर आराम से पहुंच जाए, वो रहेंगे सारंग, दोनों ने व्हीकल उठा लिए, उनके पास पता है कि डिप उन पे मौजूद रहेगी, बट क्या यहाँ पे थोड़ी सी गन चेंज करेंगे क्योंकि AWM वो भी हमें देखने को मिलेगी क्लोज रेंज में, उसका फायदा नहीं। अलादीन उनको डैमेज पड़ा है, वो अपने आप को हील करेंगे, बट ओल्ड हुड के प्लेयर को आप देखें ये गेम प्ले पहले कहां था, इस तरीके से आप पहले खेल सकते थे। अगेन सेम चीज की मैं बात करूंगा कि आप छाप छोड़ सकते थे, वो चीज ओल्ड हुड की जो स्क्वाड है वो करके दिखा रही है, वो बता रहे हैं वो यहाँ पे क्यों मौजूद है। अगर इस मिरामार मैच में वो विनर विनर चिकन डिनर लेके जाते हैं, इससे बेहतरीन चीज उनके लिए कोई और नहीं होने वाली। वहां पे एक प्लेयर को डाउन किया गया है एंड अल्ट्रॉन ने वो फिनिश भले चुराया हो, बट चलिए कम से कम 7C का अब एक प्लेयर सर्वाइव करेगा। 3v4 का सिचुएशन क्या ये हो सकता है? चलिए आयुष एक बार फिर से आते हुए, गिल को उन्होंने वहां पे डाउन किया, फिनिश करने में कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, 6 फिनिशेस टोटल ओल्ड हुड के प्लेयर के पास। बड़ालादीन अकेले प्लेयर वहां पे, अल्ट्रॉन को भी देखा जरूर गया, गिनती गिन सकते थे क्या ग्रेनेड्स उनके पास है, देखना पड़ेगा। बट ओल्ड हुड 2 मीटर दूर, उनको सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा, थोड़े बहुत और स्मोक्स, थोड़े बहुत और कवर इस वक्त स्मोक्स के उनको बनाने पड़ेंगे। बट अलादीन ही है जो गेम इस वक्त ओल्ड हुड का थोड़ा खराब कर सकते हैं। बिल्कुल, वहां पर अलादीन जरूर से यहां पर कुछ शॉट्स लेते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं अलादीन एक डिसाइडर पर्सन जरूर से हो सकते हैं, वो जो डिसाइडर प्रेस है वो उनकी साइड से आ सकते हैं, बट अभी के लिए ओल्ड हुड काफी ज्यादा मुश्किल में। क्रेजी जो है वो सोलो मैन बचेंगे, बट स्काउट उनको स्पॉट करके डाउन किया जाएगा क्रेजी के द्वारा, अकेले अपनी टीम के जो कमान है वो संभालेंगे, स्काउट का जो फिनिश है वो भी हो जाएगा सिक्योर। सो नाउ इट्स अ 1v1v2 एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। क्रेजी क्या क्लॉस को रिवाइव दे पाएंगे, क्योंकि तब सिचुएशन थोड़ी इवन जरूर से हो सकती है। क्लॉस काफी ज्यादा ओपन एरियाज में, और ग्रेनेड्स और मोलोटोव जो वो अब करे जाएंगे टीम एक्स पार्क के द्वारा, बिकॉज उनको ही पता है कि एक खिलाड़ी कोई जरूर से है जो व्हीकल लेकर के अंदर की तरफ आया है। अलादीन अभी भी वहां पर सर्वाइव करते हुए, क्लॉस खैर उनको रिवाइव नहीं दिया जाएगा क्योंकि बिल्कुल ओपन एरियाज में जाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर थ्रोएबल्स की कमी हमें देखने को मिल रही है टीम एक्स पार्क के द्वारा, बिकॉज अलादीन भी उतने थ्रोएबल्स अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। ग्रेनेड्स अगर यहाँ पर जाते हैं तो जरूर से मुश्किलों में पा सकते हैं अपने आप को, और लीजिए जो जोन का श्रिंक है वो भी आएगा, क्लॉस फिनिश ऑफ हो जाएंगे, क्रेजी उनको स्पॉट करके डाउन किया जाएगा। एंड इस मैच में टीम एक्स पार्क जरूर से निकाल सकते हैं चिकन डिनर, अलादीन यहां पर मौजूद, एक 1v2 या फिर एक आसान सा चिकन डिनर वो देखने वाली बात है कि स्पॉट जरूर से किया है मम्मी ने, वहां पर कुछ स्पेस दिए जाएंगे, इट्स एन इजी चिकन डिनर फॉर टीम एक्स पार्क। वही अगर हम बात करें अलादीन की, तारीफ उनकी भी करनी पड़ेगी, बिकॉज बढ़िया गेम प्ले उन्होंने दिखाया, 4 फिनिशेस हमें उनके पास देखने को मिल रहे हैं, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 12 अंक जो है वो पोजीशन पॉइंट वो लेकर के जाएंगे। टीम एक्स पार्क एक बढ़िया गेम प्ले, बट अगेन अभी के लिए अगर हम बात करें तो जो जंग है उनकी वो यही